एवरीवन, दिस इज़ अमित टमटा फ्रॉम स्मार्ट इम्प्रोविजन। मैं आज हूँ अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जा रहा था पुणे, तो हमारी फ़्लाइट होगी लेट और मुझे यहाँ पर हमारे इंदिरापुरम वैशाली में रहते हैं शशिकांत सर मिले अचानक से, तो इनसे थोड़ा सा जानेंगे सर को, क्योंकि सर ने मेरे को पता नहीं कैसे पहचाना बच्चे के उससे। तो शशिकांत सर, सबसे पहला थैंक यू कि आप लोग मिलते हैं कभी कभी, ऐसे जो जानने वाले मिलते हैं तो अच्छा लगता है सर। तो मैं आपको माइक देता हूँ, लीजिए सर, बताइए किस तरीके से आप मुझे पहचाने। जी, मैं YouTube एक्सप्लोर करते रहता हूँ। अच्छा, और मेरे से ज़्यादा मेरा बच्चा करता है। अच्छा जी, तो मेरे लड़के ने, जब भी मैं ऑफिस जाना है, ऑफिस या घर आऊँ मैं, तो वो YouTube ही एक्सप्लोर करता है, कुछ ना कुछ देखते ही रहता है। अच्छा, फॉर सम रीज़न, मतलब उसको पता नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट पे उसका इंटरेस्ट है। अच्छा, तो वहाँ से फिर जब मैं देखूँ तो वो आपके चैनल को मैने देखा है, उसको देखता हुआ। अच्छा, तो जब ही अचानक से वो फेमिलियर फेस था, मैंने देखा आपको, मैंने कहा अच्छा, एक बारी बात की जाए आपसे। सो आपके चैनल का हमारे घर में भी एक सब्सक्राइबर है, छोटा ही है बट है। तो सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मीडिया मार्केटिंग में हूँ और हमारी मीडिया हाउस है जो महाराष्ट्र बेस्ड है। और ऐसे ही है, मतलब 9 to 5। ओके, आना जाना नहीं है। तो और बताइए, ऐसे जब आपको कोई पहचानता है ना, उसका एक फीलिंग अच्छा होता है, क्योंकि देखिए आप चीज़ों को सही गाइडलाइन से आप चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरीके से लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, तो काफ़ी एक अंदर से फीलिंग अलग सा आता है सर। जी, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिजिटल स्टूडियो प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की, तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोग इस तरीके से हमको पहचानते हैं टीम स्मार्ट इंफोविजन की वजह से। तो आज जो भी हम लोग कर पाते हैं टीचर्स के लिए डिजिटल एजुकेशन में, हर तरीके से टेक्निकल हेल्प करते हैं, उसके माध्यम से ही सर हम यहाँ तक हैं। जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप इनफैक्ट आज तो देखिए, सारी चीज़, एवरीथिंग हैज़ सिंकिंग इनटू डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट, बीट प्रिंट और टेलीविजन और रेडियो, वॉट एवर इट इज़, राइट। तो मेरे को लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा डिजिटल स्पेस, एक ऐसी जगह है जिसको विच हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड फुली इन इंडिया, राइट। मेरे को लगता है अभी देर लॉट मेनी थिंग्स टू बी एक्सप्लोर्ड। और आप लोग ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे और हम लोगों को भी बताते रहेंगे। सर के साथ भी कुछ मिलकर करेंगे, सर भी कुछ प्लान बता रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जी काम करेंगे। सर से कॉन्टेक्ट ले लिया गया और सर ने मेरा ले लिया, तो मिलते किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।